गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भी आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर है 42। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के भी, जैसे कि हमेशा जो सेशन चल रहे हैं उनमें सारे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी पैटर्न में आज भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भी क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझना, सीखना और किस तरह से लॉजिक हम उसमें यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज आपको करनी है, ठीक है ना। तो इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए भी फटाफट पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करना। हाँ देखो, रिलेशन बताना है आपको, रिलेशन बताना है किसके साथ किस तरह का रिलेशन है। यहाँ पर देखो, जैसे बार्क डॉग, ठीक है, तो स्पैरो का रिलेशन किसके साथ होगा, ठीक है ना। तो स्पैरो का भाई सभी को पता है, स्पैरो का क्या होता भाई, चहक चहकना, ठीक है ना भाई, क्या होगा भाई, चहकना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। अब जैसे इसने क्या कहा, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। जैसे आपसे कहा गया ELQZ का रिलेशन AJOV के साथ है, तो VXTD का रिलेशन किसके साथ है, इसका रिलेशन किसके साथ होगा। अब आप एक बात सोचो, यहां पर ELQZ है, इसका रिलेशन किसके, AJOV के साथ है, तो आपको बताना है कि VXTD का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। VXTD का रिलेशन इसके साथ होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान देना, जब यहाँ E है तो यहाँ पर क्या है, V है, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ L है तो यहाँ क्या है, O है। यहाँ Q है तो यहाँ क्या है, J है। Z है तो A है। तो बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। E का अपोजिट V होता है, L का O होता है, Q का J होता है, Z का A होता है, यही होता है ना। वही चीज यहां पर भी हमें करना है। V का अपोजिट क्या होता है भाई, V का E होता है। V का क्या होता है भाई, E होता है। V का अपोजिट क्या होता है, E। और D का अपोजिट होता है W। तो इसका मीनिंग W से शुरू होके और E पे एंड, वो तो सभी में है भाई, ये तो इसका मीनिंग ये छोड़ के बाकी सभी में है। चलो भाई सारे ही कर लेते हैं। X का अपोजिट क्या आएगा भाई, C आ जाएगा। T का G, तो आंसर क्या आ जाएगा, WGCE। WGCE ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। WGCE इज द करेक्ट आंसर। WGCE इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। देखो जैसे 40 का रिलेशन किसके साथ है, 100 के साथ है, तो आपको बताना है 56 का रिलेशन किसके साथ होगा, 56 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो जल्दी से देखो भाई किसके साथ होगा, इसमें देखिए, यहां पर देखिए, यहां 40 है, यहां 100 है, तो कितने टाइम्स हो रहा है। आप कहेंगे सर 2.5 टाइम्स है भाई, सिंपल सी बात है, 2.5 टाइम्स है। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो इसका कितना, 2.5 टाइम्स आएगी, ढाई गुना आ जाएगी। और इसका ढाई गुना यदि हम करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा भाई, इसका ढाई गुना करो भाई, 56 का दुगना कितना होता है, 112 और 28 इसमें जोड़ दो, आधा तो यही होता है ना, तो इसका मीनिंग 140 आ जाएगा। तो 140 इज द करेक्ट आंसर। 140 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 140। 140 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 135 कैसे आ जाएगा, 140 भाई, 140। चलिए अगला देखिए, इनमें आपको बताना है इनमें डिफरेंट कौन सा है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। बुक, पेन, पेंसिल और वैक्स कलर। अब एक बात सोचो, यदि हम देखें पेन, पेंसिल और वैक्स कलर की बात करें, इन तीनों की यदि हम बात करते हैं, इन तीनों की यदि हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, राइटिंग मटेरियल है। ये सब क्या है, राइटिंग मटेरियल, लिखने में यूज होने वाले। तो अलग कौन सा होगा भाई, बुक इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो राइट आंसर इज बुक इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, बुक इसमें बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज बुक। चलिए अगला देखिए,
इनमें आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं भाई कौन इसका सही जवाब दे पाता है, इसका जवाब कौन सही दे पाता है। देखो ए जेड एफ आपको डिफरेंट बताना है, चार में से एक अलग है और यहां पर है एल ओ क्यू, ठीक है, यहां पर है ई वी जे और यहां पर है जेड ए सी। आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइए इनमें से डिफरेंट कौन सा है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। अब आप एक बात सोचिए भाई, ध्यान से समझना, एक बात सोचो, ये पहले जो दो हैं एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है, ई और वी एक दूसरे के अपोजिट, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट, एल और ओ और जेड और ए ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन इसका मीनिंग गेम यहीं पर है, बाकी का गेम यदि आप यहां पर देखें ए से एफ तक की बात करें तो प्लस फाइव हुआ है, प्लस कितना भाई फाइव, ए फर्स्ट पोजिशन पर एफ सिक्स पर तो प्लस फाइव हुआ है। एल से क्यू की बात करें तो हम देखें तो जे के एल, एल आता है कितना भाई 12 पर, क्यू आता है भाई 17 पर, प्लस फाइव वहां पर भी हुआ, प्लस फाइव यहां पर भी है। इसी तरह ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, तो प्लस फाइव यहां पर भी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो अलग कौन सा हुआ, जेड ए सी इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है और गलत हो जाता भाई, तो इसलिए बड़े ध्यान से इनको जवाब देना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला बताइए। अब आपको यहां ऐसा बताना है कि इनमें अलग कौन सा है, इनमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है, इनमें अलग कौन सा है, जल्दी से बताइए इनमें अलग कौन सा है। 41, 22, 63, 93, 82, 44 एंड 83 एंड 64 बताइए भी, इनमें अलग कौन सा है, जल्दी से बताइए इनमें अलग कौन सा है, इनमें अलग कौन सा है, जल्दी से स्पीड से बताइए इनमें डिफरेंट कौन सा है। भाई चार है, चार में से तीन एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप से अलग है, वो अलग वाला पहचान है, वो अलग वाला आपको पहचानना है। अब देखो इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, किस तरह से अभी हाँ कुछ कहना है भी बी। अब हाँ देखे, जैसे मैं 41 और 22 की बात करता हूं तो क्या ऐसा बन के आ रहा है, जरा देखना 4 इंटू 1 कितना होता भी 4 इंटू 1 और यहाँ 2 इंटू 2, 4 इंटू 1 कितना है भी 4 और 2 इंटू 2 कितना है भी 4, क्लियर है। इसी तरह 63 एंड 93 की यदि हम बात करें तो 6 18 और 9 3 27, ये तो अलग अलग आ रहा है, यह तो नहीं मैच कर रहा है, ये मैच तो नहीं कर रहा है, क्लियर है। यदि मैं इसकी बात करूं 8 2 16 4 4 16 16 16 आ रहा भाई, 8 2 16 4 4 16 बराबर आ रहा है, 8 3 24 और 6 4 24 ये भी बराबर बराबर आ रहा है, ये भी बराबर है, तो अलग कौन सा अभी सेकंड वाला इसमें अलग है, तो राइट आंसर इज सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चले आगे, चलिए अगला देखिए भी। अब इनको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, जैसे कि डिक्शनरी में अरेंज होता है उस तरीके से अरेंज आपको करना है। यदि आप ध्यान से देखें तो सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी, तो शुरू के तीन लेटर सभी में सेम है, जो चेंज आई वो फोर्थ वाले से आई, फोर्थ लेटर से। यहां पर फोर्थ लेटर है ए, यहां यू, यहां ई, यहां डी है और यहां डी है, तो पहले तो ए आएगा, तो पहले नंबर, इसका मीनिंग ये आंसर गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ए के बाद यहां से देखो तो क्या बनता है, डी, डी वाले में भी कौन सा पहले आएगा भाई, ये वाला, एक के बाद दो, तो वन टू, वन टू इन दोनों में ही है, वन टू, ठीक है चलो भाई। उसके बाद यहां पर देखें तो फिर डी वाला आएगा, वन टू फोर, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, पहला ही आंसर आ जाएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अब आपको नेक्स्ट बताना है अगला क्या आएगा, ये आपको बताना है, ए सी ई एफ एच जे के एम ओ, और आपको नेक्स्ट बताना है नेक्स्ट क्या होगा। अब आप लोग एक बात सोचो, यहां से ए बी सी डी ई, मतलब एक एक छोड़ता जा रहा है, यहां पर देखो ए लिखा, बी छोड़ा तो सी लिखा, डी छोड़ा तो ई लिखा, ई के बाद क्या आया एफ, जी छोड़ा तो एच, आई छोड़ा तो जे, जे के बाद के, L छोड़ा तो M, N छोड़ा तो O, O के बाद P, P से आंसर आएगा, P से आंसर वाले ये है, Q छोड़ा तो R, H छोड़ा तो T, तो P R T is the correct answer, तो right answer is option number 2, P R T इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, option number 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छे भी, नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है, जैसे 9 है, 18 है,
72 है और 576 है, तो नेक्स्ट क्या बनेगा ये आपको बताना, नेक्स्ट क्या बनता है ये आपको बताना है। चलो भाई आप लोग यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ से यहाँ देखें तो मल्टीप्लाई बाई टू हुआ, 18 से यदि हम देखें 9 दुनिया 18, 18 चौक 72 इंटू 4 हुआ, इसमें यदि हम देखें तो मल्टीप्लाई बाई 8 हो रहा है, और जब यहाँ मल्टीप्लाई बाई 8 हो रहा है तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो होना चाहिए मल्टीप्लाई बाई कितना, एवरी टाइम वो डबल होता जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 16 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, और 16 से अब हमें यहाँ पर क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। अब करो भाई 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है, 16 से कम 96, 6 आएगा 9, 16 सत्तर 112, 9 121, 2 और 16 पंजे 12 और 12 आगे 16 पंजे 80 और 92, 9216 बन रहा भाई, 9216 इज द करेक्ट आंसर, 9216 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 9216 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब देखो इसने क्या कहा, ध्यान से सुनना, पूनम ने अक्षय से कहा कि क्या भाई जो कल अक्षय, हाँ कल जो है जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे शी डिफीटेड अक्षय, जो अक्षय है ओनली सिस्टर डॉटर स्नेहा, क्लियर है। तो उसने क्या कहा कि उसने कल डिफीट किया, किसे डिफीट किया, शी डिफीटेड कौन, पूनम ने डिफीट किया किसको, अक्षय की ओनली सिस्टर की डॉटर, ओनली सिस्टर की डॉटर, तो अक्षय ये रहा, अक्षय की ओनली सिस्टर ये रही, ठीक है, की डॉटर ये रहा, ये यहां पर क्लियर है। इसको इसने किसने डिफीट किया भाई, पूनम ने डिफीट किया, ये कौन है भाई स्नेहा। अब उसने कहा कि लास्ट में हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू स्नेहा, अक्षय जो है वो स्नेहा से कैसे रिलेटेड है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो स्नेहा है अक्षय की सिस्टर की बेटी है, अरे भाई सिस्टर की बेटी, या फिर उल्टा आप यहां से देखेंगे तो इसके मदर के, अक्षय जो लगेगा स्नेहा की मदर का ब्रदर है, मदर के ब्रदर को मामा कहते हैं, और यदि मामा नहीं लिखा है, मैटरनल अंकल नहीं लिखा, तो अंकल की तरफ हम टिक करेंगे, तो राइट आंसर इज अंकल, अंकल इज द करेक्ट आंसर, अंकल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब इसने कहा कि इन ए रो ऑफ बॉयज, बॉयज की एक पंक्ति में तारक इज 18th फ्रॉम द ईदर एंड, तारक जो है वो दोनों एंड से कितना भी 18th है, इधर से भी 18th है और इधर से भी 18th है, दोनों एंड से वो 18th पोजीशन पर है, तारक जो है दोनों एंड से क्या है 18th पोजीशन पर है, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, रो में कितने भाई, तो सिंपल सी बात है तारक की दोनों साइड से पोजीशन पता है ना, इधर से भी पता है इधर से भी पता है, तो दोनों को एड माइनस वन, तो 18 प्लस 18 36 माइनस 1 35, तो राइट आंसर इज 35, दोनों को ऐड माइनस 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 इज द करेक्ट आंसर, 35 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला देखो, अगला क्या कहता है भाई, आपको बताना है इनसे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, एब्सोल्यूट से इससे इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यदि मैं फोर्थ वाले पर ही टारगेट करता हूं पहले, तो इसमें एक लेटर आया है भी वी, क्या वी ऊपर है, नहीं है, तो इसका मीनिंग फोर्थ वाला ही नहीं बना सकते, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दे ना अभी, इंपॉर्टेंट डाल देना, इतना सीधा नहीं है ये जो क्वेश्चन है ना, इतना सीधा नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि जल्दी से वहां सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगाएगा ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना जल्दी से सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगाएगा। देखो यहां पर देखो कैसे, देखो ओ पी क्या लिखा है, टी आई एम आई एस टी ऐसा कुछ लिखा है, अब यहां पर लिखा है एल के आर एन आर जी एच जी ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। अब जरा यहां पर ध्यान दो भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा सीधा नहीं है, सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है कि आप लोग एकदम सेकंडों में जवाब दे दो।
देखो यहाँ पर रिलेशन देखना पड़ेगा कैसे, देखो एल का अपोजिट होता है ओ और एल एक दूसरे के अपोजिट, पी और के एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना, ठीक है, टी का जी होता है, एस का एच होता है, बात समझ में आ रही है, ये सब क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन टी का तो हमें पता है ना जी, आई का क्या होता है आर, एम का एन, आई का आर, ऐसा कुछ है। तो देखो यहां तो पहले दो लास्ट के दो में अपोजिट सामने सामने लिख दिए, लेकिन इनमें क्या है, इनमें क्या कर रहा है भाई, ऐसे डायगनल जाता जा रहा है तिरछा, इट मीन इसका अपोजिट यहां लिखा, इसका यहां लिखा, इसका यहां लिखा, इसका यहां लिखा, ऐसा ही कुछ हमें वहां पर भी करना पड़ेगा। अब वहां पर भी तो देखो भाई यहीं पर कर देते हैं, पी पी का अपोजिट यहां लिखेंगे, पी का क्या होता है के, तो आंसर के से शुरू होगा और के से शुरू होने वाला यही वाला एक ही है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पी का अपोजिट होता है के और के सामने एकदम सामने है, पी के सामने क्या लिखना है के, तो के यहां से के से स्टार्ट होने वाला एक ही हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया भाई, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा समझ में आने वाली कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर ये सब क्या है अपोजिट, अपोजिट का मीनिंग है ओ की जो पोजीशन है ए वाली साइड से वही जेड वाली साइड से एल की है, पी की जो पोजीशन है ए वाली साइड से वही जेड वाली साइड से के की है, तो ये क्या है अपोजिट है, ये सब क्या है अपोजिट है, ठीक है ना, पक्का भाई, डाउट तो नहीं है भाई यहां पर अपोजिट। हाँ भाई क्या इसमें, हाँ क्लियर है भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत कैसे, टी का जी होना चाहिए भाई, हाँ ये बात कह सकते हो, ये इसका मीनिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ की हुई है, इसने गड़बड़ लिखी है, ऑप्शन में गड़बड़ है भाई पक्का से, ऑप्शन वैसे तो बनना चाहिए था वी का ई, हाँ यहाँ पर जी होना चाहिए था बेटा, है एस का एच, हाँ ये जी होना चाहिए, लास्ट में जी आना चाहिए, के और जी आना चाहिए, लास्ट में जी आना चाहिए, ठीक है ना, पक्का लास्ट में जी आना चाहिए, लास्ट में जी आना चाहिए, तो वो सी की जगह जी है, ठीक है, ई का वी हो गया वो मैच कर रहा है, आई का आर, एम का एन, ठीक है, आई का आर, एस का एच, एस का एच, हाँ भाई वो सी की जगह जी है, सी की जगह जी है बेटा, वो सी की जगह जी है और कुछ नहीं है, लेकिन हमने पहले ही लेटर से आपको पहचान लिया था भाई यहां से आंसर क्या बनेगा, कि भाई पी का अपोजिट होता है के और के से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो इसका मीनिंग, हाँ ये वाला होगा, क्लियर है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये है कि भाई 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 9 डिवाइड 3 इक्वल टू 51 आपको दिया है, अब आपको ये बताना है किसको हम चेंज करें कि 51 बात बन जाए, 51 आ जाए, किस किस को हम चेंज करें कि 51 आ जाए, बताइए भाई, हाँ बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, हाँ बताइए बताइए जल्दी से, यहां पर हमें किसको इंटरचेंज करना होगा, देखो मल्टीप्लाई माइनस को डिवाइड, मल्टीप्लाई को प्लस माइनस को या माइनस डिवाइड को, किसको हम इंटरचेंज करें कि यहां से इसकी वैल्यू मैच कर जाए। अब देखो यदि मैं प्लस और माइनस को यदि मैं इंटरचेंज करके देखता हूं, प्लस और माइनस को देखते हैं भाई है कहीं ऑप्शन, प्लस माइनस की यदि हम करते हैं तो क्या बात बनती है, यदि मैं इधर प्लस कर दूं, इधर क्या कर दूं माइनस कर दें, तो प्लस करेंगे तो यहां पर देखो फोर चेंज, देखो मैंने जो चेंज कर रहा हूं उसको मैं इससे लिख रहा हूं प्लस, ठीक है ना, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 फिर माइनस 9 फिर डिवाइड 3, ऐसा करके देखें यदि मैं यहां पर करता हूं भाई कितना आ जाता है, ये आता है हमारा कितना भाई 50 प्लस 4 54 आया और यहां से आ गया भाई माइनस का 3 तो 51 हमारा बन के आ गया, तो राइट आंसर इज 51 ऑप्शन नंबर 3। बेटा इसमें देखो चांसेस पता रहते हैं या तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ऐसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इन पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, चलो अगला देखो नेक्स्ट क्या कहता है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डाल देना, ये वाला टाइप आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप आ रहा है ना बार बार, ये वाला जो टाइप है ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो इसने क्या कहा कि 12, 20 और यहाँ पर बना भाई कितना 16, ठीक है ना, यहाँ पर है 21, फिर 35 और यहाँ पर कितना भाई 20 बना। फिर आपको वैल्यू बतानी है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 48 है और 80 है और यहाँ पर ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू क्या होगी ये बतानी। चलिए बताइए फटाफट ए की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग जल्दी से ये कर पाओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं भाई। ये वाला जो टाइप है ना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये टाइप आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें बताइए फटाफट बताइए, जल्दी से भाई। 50 कह रहे हैं, कुछ ने कहा भी 50, देखिए भाई 50 बनता है भाई, राहुल का आंसर 50, 64, 50। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, देखिए भाई, देखो यहां पर हो क्या रहा है, किस तरीके से इसने अरेंज किया, देखो कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों किसी सिंगल नंबर के मल्टीपल हैं या नहीं है, ये तीनों के तीनों किसी सिंगल नंबर के मल्टीपल हैं या नहीं है, आप कहेंगे हाँ हैं भाई। देखो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 16, तो आप कर सकते हैं 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 16, बनता है नहीं, बात बनती है, बनती है ना। इसी तरह यहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात बनती है, ये क्या सेम नंबर के मल्टीपल है, कोई ऐसा नंबर जिसके तीनों ही मल्टीपल हो, ये तीनों के तीनों ही मल्टीपल हो, बताओ भाई जल्दी से बताओ भाई। ये जो टाइपिस्ट है ना हमारा, बड़ा परेशान करता है ये, देखो भाई ये 20 नहीं है, 28 है बेटा, ये टाइपिस्ट जो है ना बार बार गड़बड़ कर देता है हमारा, ठीक है ना, ये 28 है, इसको सही कर लो, इसको सही करो भाई, इसको सही करो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेम नंबर के, जैसा पैटर्न इसमें है वैसे ही पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए था। ये भी देखो आप यहाँ पर देखें तो 7 × 21, 7 × 35 और 7 × 28, बात बनती है सेम वैसे ही। अब यहां से यहां पर देखो सेम वही पैटर्न, यहां पर भी देखिए, यहां पर ऐसा ही कुछ ऐसा नंबर लाओ कि जो ट्रिपल, 16 × 3, 16 × 5 और यहां पर क्या आएगा 16 × 4, 16 × 64, तो रिजल्ट क्या आया भाई 64 इज द करेक्ट आंसर। तो जिसने भाई 64 दिया था वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, 64 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो भाई ये कुछ इस तरह के सेम मल्टीपल में सीक्वेंस में ये चले जाते हैं, तो इस बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट है ये टाइप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता जाता है। अब चलो भाई इसको बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत है अच्छा, ये वाला टाइप भी आप लोग इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ये वाला टाइप भी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, फटाफट बताइए इसमें। जैसे 8, 6 और 2 96 लिखा, 15, 2 और 2 60 लिखा, तो यहां बताओ भाई कितना आएगा। देखो यदि मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूं, इन तीनों की मल्टीप्लाई करूं, 6 × 12, 12 × 98, बिल्कुल सही है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये बड़े वाला नंबर आ रहा है, 15 × 30, 30 × 60, ये वाला, इट मींस ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यदि आप यहां पर देखेंगे तो 6 × 5 = 30 और 30 × 4 = 120, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो रिजल्ट इज 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, तो राइट आंसर इज 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है। इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट डाल देना भाई इसको, भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों को बताना है कि भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, जल्दी से बताइए इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, देखता हूं भाई कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। चलिए देखिए भाई कैसे,
अब मैंने आपको एक बात बताई थी, हमेशा जब कभी भी ऐसा केस आता है, इम्पोर्टेंट डाल देना भाई इसको भी, इम्पोर्टेंट डाल देना, ऐसा केस आए कि सिमिलर फिगर वाला, सिमिलैरिटी वाला, ठीक है, सिमेट्रिक वाली चीजें आए, तो आपको क्या करना है, किस तरह से इसमें काउंट करना है, तो इसका तरीका सीखो। आधे पार्ट को पहले टारगेट करो, इस आधे पार्ट को, इस आधे पार्ट को टारगेट करो, इस आधे पार्ट को टारगेट कर लो भी। इस आधे पार्ट को टारगेट करेंगे तो कैसे करेंगे भी? इसमें देखो, यहां पर पहले इस देखो, इस बीच वाले पार्ट में देखो, आपको पता है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जैसे मैं एक छोटे सी बात आपको समझा दूं, जैसे ये चीजें हैं, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें आठ हुए, इसमें देखेंगे तो इसमें फिर आठ हुए, आठ और आठ सोलह, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा ये मिला सत्रह, ये और एक ये अट्ठारह। क्लियर है? क्लियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पार्ट में, इतने पार्ट में 18 है, ये वाले पार्ट में कितने हैं भाई, 18, 18 है, 19 और ये 20, अभी तक 20 हुए। क्लियर है? अभी तक कितने हुए, 20। इस पार्ट में 20 है तो इस पार्ट में भी क्या होंगे, 20। भाई सिंपल सी बात है ना भाई, इधर आधे पार्ट में 20 है तो इस पार्ट में भी कितने होंगे, 20। दोबारा काउंट करा दूं कि भाई ये वाला जो है, इस पार्ट में 8 हुए, ये जो डायगोनल मिल रहे हैं तो यहाँ 8 है तो इसमें भी 8, 8 और 8 16, और एक ये बना 17, और एक ये 18, 19 और एक ये भाई 20, 20 इधर तो 20 इधर, तो 40 तो हो गए पूरे, ये 40 तो हमारे हो गए। क्लियर? काउंट हो गए 40। अब इस 40 के बाद जब दोनों फिगर को कंबाइन करते हो तो और कौन कौन से ट्रायंगल हमें मिले, एक ट्रायंगल हमें ये वाला मिलेगा 41, एक ये मिलेगा 42, ठीक है ना, एक ट्रायंगल ये मिला और एक ट्रायंगल ये मिला, तो कितने हो गए भाई, 42 हो गए, 42 हो गए, और दोनों को कंबाइन किया तो एक ये भी मिलेगा 43, एक ये मिलेगा 44। तो राइट आंसर जो बन के आएगा बेटा वो होगा 44 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 44। जितने ऐसे बच्चे जो 42, 43 कह रहे थे, जो उनका गलत है, 44 इसका बिल्कुल सही आंसर है, 44 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो सारे काउंट हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, और इस तरह की फिगर आई तो आप गलती मत करना बेटा, ये अपने माइंड में सेट कर लो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये पक्का से है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो इसने क्या कहा कि ऑल डेंस आर स्पाइरल, तो ऐसे बना लो भाई, ऑल डेंस आर स्पाइरल, ठीक है, और सम स्पाइरल आर कार्ड, कुछ स्पाइरल क्या है, कार्ड है, ये रहा सम स्पाइरल आर कार्ड, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। चलिए अब पहला देखो, अब देखो सिंपल सी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर देखो सम स्पाइरल आर नॉट कार्ड, कुछ स्पाइरल कार्ड नहीं है, इसका मीनिंग ये वाला क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि नो वाला तो यहाँ केस ही नहीं, यहाँ पर नो वाला है तो ये गलत हो गया, दूसरे में भी डेन और कार्ड वाला है तो ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया, क्योंकि निगेटिव है, नो वाला है, नो सेंस, नोट, नो लिखा है, नोट लिखा है, और नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये दोनों तो गलत हो गए। तीसरा, सम आर, सम कार्ड्स आर डेंस, सम कार्ड्स आर डेंस, कुछ कार्ड क्या है, डेंस है, यहाँ तो सही है, यहाँ गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि कोई भी कंक्लूजन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला इसका बिल्कुल सही है। क्लियर है? क्लियर है भाई, बातें समझ में है? चले आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे है अभी। अगला देखो, इसने क्या कहा कि इसमें आपको बताना है बी के ऑपोजिट क्या होगा। अब एक बात सोचो, इन दोनों में यदि आपको नजर आ रहा होगा भी बी के ऑपोजिट क्या होगा, ये आपको बताना है, बी के ऑपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। अब कॉमन की यदि हम बात करें, देखो कॉमन कहीं कुछ मैच कर रहा है, हाँ, इनमें यदि आप देखें इसको और इसको ध्यान से देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ है, हमें बताना है बी के ऑपोजिट, बी के ऑपोजिट इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ, तो एफ मैंने लिखा, दो जगह मैंने एफ लिखा, एफ के बाद यहां पर देखो ई है और ई के बाद बी है, एफ के बाद ई और ई के बाद क्या है, बी है, ई के बाद बी है, यहां पर एफ के बाद जी है, जी के बाद सी है, एफ के बाद जी है और जी के बाद क्या है, सी है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई बी के, आपको पूछा है भाई बी के ऑपोजिट क्या होगा, बी के ऑपोजिट होगा भाई सी, बी के ऑपोजिट क्या होगा, सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर इज सी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसमें तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, बी और सी तो हो ही नहीं सकता, एक मिनट चेक कर लेते भाई, एक ई के बाद ए,
F के बाद E और E के बाद B, ये बात समझ में आती है। F के बाद यहाँ G, G के बाद C, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, पक्का से गड़बड़ है। हाँ पक्का से ही गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, ये नहीं, हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है इसमें, क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या था, इन दोनों में कॉमन है भाई, F कॉमन है, और F से यदि मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, एक ही सिंगल कॉमन होगा, तो फिर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो B के बाद यहां पर F के बाद E, E के बाद B, E के बाद B, F के बाद यहां G और G के बाद C, तो बात तो बनती ही नहीं है, तो इसका मीनिंग, और यहां G और C गलत हो रहे, तो इसका मीनिंग इसमें भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसकी जो इमेजेस दी गई है वो गड़बड़ है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा। हाँ चलो अब बताओ भाई, अब आपको बताना है इसमें कि प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट और फीमेल इन में रिलेशन क्या है, प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट एंड फीमेल इन में रिलेशन क्या है, ये आपको बताना है। अब आप एक बात सोचो, ध्यान से सुनो, इसमें कैसे बनेगा भाई, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो सब क्या है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो प्रोफेशनल है, जो सीए है वो क्या है, प्रोफेशनल है, आएंगे या नहीं, क्लियर है? लेकिन कुछ वुमेन, कुछ फीमेल ऐसी हैं जो प्रोफेशनल भी हैं और चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी हैं, तो ये वाला कुछ इस तरह का बन के आएगा। और इस तरह का कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन है भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर टू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, थ्री नहीं होगा टू होगा, थ्री नहीं होगा टू होगा, ठीक है ना, थ्री नहीं होगा टू होगा, क्लियर है, चले ऑप्शन नंबर टू बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर टू, फोर्थ नहीं हो सकता, टू बनेगा। अब आपको इसको कंप्लीट करना है भाई, देखिए भाई, हाँ इस इमेज को कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ बताइए यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या हम फिल करें कि ये कंप्लीट हो जाए, तो देखो भाई कैसे शुरू करना है ये, हाँ ऐसे आएगा यहां, ऐसे आएगा यहां, ऐसा कुछ कौन सा है, ऑप्शन नंबर वन ही है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसको कर दिया अभी मैंने जो, फटाफट बताइए इसमें, बताइए कि आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। इट मीन्स ये वाली जो फिगर है इन चारों में से किस में छिपी हुई है, यदि आप इस पे ध्यान दें, सेकंड वाले पे ध्यान दें, तो ये फिगर यहीं पर छिपी हुई है, देखो ऐसे आया और ये रही, ऐसा कुछ ऐसा ही तो है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए भाई क्या कहा है जरा उसको समझो भाई, पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे फोल्ड किया और इसमें कटिंग कर दी, इसमें क्या की, कटिंग की। अब देखो कैसे है भाई, इस पार्ट को सबसे पहले आप कैसे ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, तो इसका मीनिंग ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये यहां और यहां और यहां ऐसे आया और ये कुछ इस शेप किया गया, क्लियर है, ऐसा बना और फिर इसको वापस इधर इसको ओपन करेंगे, तो देखो कुछ बच्चे क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे भाई, कौन सा, कुछ बच्चे इसका आंसर टिक करके आएंगे सेकंड, लेकिन इसका सेकंड आंसर हो ही नहीं सकता, सेकंड इसका गलत आंसर है, सेकंड इसका गलत है, अरे भाई यहां तो कटिंग की ही नहीं ना, यहां पर कटिंग नहीं है, यहां पर कटिंग नहीं है, तो राइट आंसर जो बन के आएगा वो आएगा इसका भाई ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने कहा था ना बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आएंगे, तो राइट आंसर जो बनेगा वो इसका ऑप्शन नंबर थ्री बनेगा, ऑप्शन नंबर थ्री बनेगा भाई। हाँ भाई नहीं हो सकता, देखो भाई कैसे नहीं हो सकता, रीजन देखो, रीजन क्या है भाई, कटिंग कैसे, पेपर ये ऐसे था, ये ऐसे है, ठीक है ना, इसमें ऐसे कटिंग हुई और फिर ऐसे है और ये ट्रायंगल यहां पर था, क्लियर है, तो जब आप ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है ना, और ऐसे कुछ ऐसे, ये तो सीधा ही रहेगा, ये कंप्लीट, और यहां से ऐसा कुछ आएगा, ये वाला पार्ट ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसे ही, तो बीच में कहां से ये वाली कटिंग आ गई, बीच में तो नहीं आएगी ऐसा कुछ, ठीक है ना, बीच में नहीं आएगी,
तो ये ऐसा कुछ करके आएगा। तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं भाई, यहां पर छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें आपसे वो कंफ्यूज कराएगा और आपको जानबूझ के, और आप जल्दीबाजी में ये आंसर गलत करके आएंगे भी, पक्का से गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर जो बनता है भाई थर्ड ही है इसका। मुझे पता ना कि आप जल्दी में खुशी में हाँ भाई यही आंसर है तो वही कर देंगे, है? लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है जब तक फाइनल ना हमारा क्लियर हो। ठीक है, चलिए अगला देखो। देखो भाई यहां से अब इसकी मिरर इमेज बतानी है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी ये आपको बतानी है। अब क्या करो भाई, मिरर इमेज निकालनी है तो भाई आपको सिंपल सी बात है, यहाँ आर है तो आएगा आर इधर आएगा, सर्कल में ही आएगा और ऐसी कुछ शेप में आएगा। है कोई ऐसा? इसमें भी है, बस पहले वाले में ही है तो ऐसा, तो राइट आंसर पहले वाले बन जाएगा, ऐसा कुछ बन के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 1 पक्का से होगा, इसमें जो आंसर होगा वो 1 पक्का से होगा। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है अगला। देखो अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि जैसे इस वर्ड को लिखा कुछ ऐसे, तो इस वर्ड को ऐसे लिखा है तो आपको बताना नंबर को कैसे लिखेंगे। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताइए भी नंबर को कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है। स्पीड से बताइए नंबर को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए नंबर को कैसे लिखेंगे। लिख दिए भाई, कौन सा भाई ठीक है भाई? कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई पहले वाला ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कौन सा ठीक है। यहां से टी आर ई ए एस ओ एन ऐसा कुछ है, ठीक है ना, तो वो लिखा भाई आर डब्ल्यू आर के, आर के डब्ल्यू डब्ल्यू आई एन एक्स ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है ना, अब जरा यहां से देखो भाई क्या पैटर्न है। अब देखो एक बात समझने की है कि ये टी आर, और यदि हम यहां देखें डायरेक्ट, यदि हम देखें तो कोई पैटर्न बनता है तो टी से आर में तो चलो बन भी जाएगा, लेकिन आर और के का गैप तो बहुत ज्यादा है, ई और डब्ल्यू का फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो भाई हमें कहीं ना कहीं कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। क्या यदि मैं टी देखें तो यहां से आप देखो टी आता है कौन सी पोजिशन पर, 20 पर, क्लियर है। एक्स आता है 24 पर, अब आर आता है 18 पर, यह आता है 14 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है भाई 9 पर, कुछ समझ में आ गया। तो कहने का मीनिंग है डायगोनल चल रहा है, एक बार प्लस 4 हुआ फिर माइनस 4 फिर प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, तो पैटर्न समझ में आ गया। तो पैटर्न है हमारा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, कुछ इस तरह का पैटर्न है। और हमारा वर्ड क्या था भाई, नंबर जिसका हमें बताना है, एन यू एम बी ई आर, इसका हमें बताना है। तो प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 ऐसा चलना चाहिए। अब यदि मैं प्लस 4 करता हूं तो n में प्लस 4 करेंगे तो r आएगा लास्ट में, r आना चाहिए लास्ट में, r एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो पहले वाला ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, तो पहले वाला ही क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कहता है अगला। देखिए भाई आपको यहां पर फिल करना है, कंप्लीट करना है इसको। जैसे 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 6 है, फिर क्वेश्चन मार्क है 4, फिर 5 और फिर 4। अब आपको कंप्लीट करना है, कैसे, क्या इसमें से कौन सा हो सकता है। तो भाई फटाफट हम एक काम करते हैं ना, पहले वाला ही फिल करके देख लेते हैं। यहां से देखो यदि मैं यहां इक्वल पुट कर दूंगा, यहां पर इक्वल पुट कर देंगे भाई, यहां से देखिए यदि मैं यहां पर इक्वल पुट करता हूं तो पहले वाले के हिसाब से यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लाई है और यहां पर क्या है प्लस।
देखो 30 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, आएगा ना। और यहाँ से 4 पंजे 20 और 20 और 4 24, यहाँ पर भी 24 आ गया। तो सिंपल सी बात है, यही वाला पहले वाला ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, पहले वाला ही इसका सही है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए कि भाई काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टाइप है ना आपके एग्जाम के लिए, ये वाला टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप है। ठीक है, पक्का से भाई। चलो अब देखो कैसे, देखो यहां से लिखा क्या है, 13-9 ये है ना इक्वल टू 94 है। अब इसी तरह यहां पर है 18-7 इक्वल टू कितना भी 100, और आपको बताना है कि 24-6 की वैल्यू क्या होगी, 24-6 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। चलो भाई फटाफट शुरू हो जाओ, बताना शुरू करो कि कैसे ये आएगा, भी फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ देखो जल्दी से बताइए, इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। इट मीन्स यहां इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन चारों में से कौन सा सही है, 148 कह रहे हैं। पैटर्न भी बताना भाई, पैटर्न भी बताना, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है ये कि एकदम सीधा क्वेश्चन। देखो यदि मैं यहां तक कैसे जाया जा सकता है, कोशिश करो भाई जाने की, यहां से यहां तक जाने की, इसके टेबल में नहीं आता, और क्या कर सकते हैं, 13 और 9 की मल्टीप्लाई करें तो 13 और 9 की मल्टीप्लाई करें तो कितना, 13 में कितना होता है 117, सभी को पता होगा। अब 117 में से कितना माइनस करूं कि 94 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 23 माइनस करके। अब 23 बन कैसे सकता है, 13, 9 और 1 एक्स्ट्रा, समझे, 13 प्लस 9 प्लस 1 बन सकता है ना। इतना सीधा क्वेश्चन नहीं है भी, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल का है, लिख लेना इसको अलग से कहीं पर लिख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में काम आएंगे। 13 में 117 है, 94 बनाना है तो 23 माइनस करना है तो 13 और 9 कितना हो गया भाई 22, इसका मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस करना है, क्लियर है। इसी तरह यहां पर भी देखो, तो ये आ जाएगा 126, माइनस कितना करें भाई 26, तो क्या इनका 26 बनता है भाई, नहीं, इनको ऐड करते हैं तो 25 और एक एक्स्ट्रा तो 26, बात समझ में आ गया। इट मींस जो इनका सम है उससे एक एक्स्ट्रा माइनस करना है, तो बात बनती है, तो मल्टीप्लाई किसकी करनी है। अब यहां पर देखो 24 छिक्का कितना, 24 पंजे 120, 144 हो गया, 144 में हमें माइनस करना है इन दोनों का सम कितना आता है भाई 30 और 1 31, 31 माइनस करना है, 31 यदि आप माइनस करोगे तो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, और 4 में से 3 गया तो 1 आया, 113 बनना चाहिए। तो राइट आंसर इज 113 इज द करेक्ट आंसर, तो 113 इज द करेक्ट आंसर। इट मींस जो माइनस हो रहा है, ध्यान से सुनो, जो भी माइनस किया गया है वो माइनस क्या है, इन दोनों के सम से एक एक्स्ट्रा माइनस किया गया, इन दोनों के सम से एक एक्स्ट्रा माइनस किया गया, इन दोनों के प्रोडक्ट की 117 आया, और 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 यदि हम देखें तो 22 हुआ, 22 और एक एक्स्ट्रा 23, 23 माइनस किया तो 94 आ गया, ये इन दोनों की प्रोडक्ट 126 आई, और माइनस कितना करना है 26, तभी तो 100 बनता है, तो 26 कैसे बन सकता है, 18 और 7 कितना हुआ 25 और 26 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा। इसी तरह यहां पर भी हमें क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 144 आया, इन दोनों का सम कितना बनता है 30 और एक एक्स्ट्रा 31, 31 माइनस करेंगे तो 113। तो भाई ये इतना सीधा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा लेवल का, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भी। ठीक है, चलिए अगला देखो भाई, अगला बताओ इसमें, हाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से आप बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बहुत अच्छे से बताइए। और ये क्वेश्चन फिर डिफरेंट लॉजिक है, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर डिफरेंट लॉजिक है, इसलिए बड़े ध्यान से इन पे जवाब देना है, बहुत ही ध्यान से आपको इसका जवाब देना है, चलिए भी बताते जाइए, बहुत ध्यान से इसका जवाब आपको देना है। चलो भाई बताइए 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 बताइए। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इतना सीधा सीधा ये भी नहीं है, कैसे देखो यदि मैं यहां से देखता हूं, इससे इसको रिलेट करो, पहले से दूसरे वाले को रिलेट करो, क्या बनता है, 2 में 5 जोड़ा तो 7 आ रहा है, ठीक है ना, 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ रहा है, 14 में 5 ऐड किया तो 19, 9 में 5 ऐड किया तो 14, तो हर किसी में
इसके हर नंबर में 5 जोड़ता हूं तो ये वाले हमें मिलते हैं पक्का से। इसके हर नंबर में जब मैं 5 ऐड करता हूं तो ये वाले दूसरे वाले के मिल जाते हैं। अब यदि फिर दूसरा देखो, यदि 2 में 6 ऐड किया तो कितना आता है भाई, +6 किया तो 8, 5 में 6 ऐड किया तो 11, क्लियर है, 14 में 6 ऐड किया तो 20, ऐसा भी कई बार किया गया है ये वाला क्वेश्चन भी। ये देखो डिफरेंट आ गया यहां पर, तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो राइट आंसर इज 15। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, 15, ऑप्शन नंबर 2, 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई ऐसा ये वाला लॉजिक भी अपने माइंड में रखना कि हाँ भाई ऐसा भी कर सकता है, पहले वाले से ही वो रिलेट करता चला जाए, पहले वाले से ही वो रिलेट करता चला जाए, क्लियर है। चले आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब इसमें काउंट करो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, इसमें इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं ये आपको बता रहे हैं, जल्दी से बताओ भाई इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, जल्दी से काउंट करके मुझे बता दीजिए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, जूम कर दूं थोड़ा सा, चलो मैं कर देता हूं फिर भी, हाँ जूम कर देता हूं इसको, हाँ ये इसमें आपको ट्रायंगल बताने हैं। देखो इस फिगर को केवल इतनी को यदि आप ध्यान से देखें, इतने पार्ट को ध्यान से देखें तो कितने हैं इसमें, आप कहेंगे सर ये तो एकदम काउंट हो जाते हैं, ये कितने होते हैं इसके अंदर, यदि डायगोनल मिले हुए हैं तो इसके अंदर 8 होते हैं, तो 8 तो ये पक्का, ठीक है, 9 ये, 10 ये, 10 हो गए अभी तक भाई, 9वां ये, 10 ये, क्लियर। और जब आप इसको काउंट करते हो एक साथ मिलाते हो, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हो तो कितना, 11 भाई, +1 +1 ये 2 हो गए, और इसको हम मिलाया तो +1 और 11 हो गए। अब इन दोनों को यदि आप कंबाइन करते हो तो 11 और 1 12 और 1 ये भी रह गया कितना भाई, 13, तो +1 और, तो राइट आंसर इज 13 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या बनता भाई, 13 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो राइट आंसर इज 13 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे भी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऐसे भी आपके एग्जाम में पक्का से आएंगे। और आप लोग जैसे देखेंगे ना कि हाँ सर ने ऐसी ये वाली फिगर तो कराई हुई है, आपको तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आंसर याद होगा भाई इसमें 13 आया था और इसमें 17 थे, इसमें 28 थे, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको हेल्प करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है अगला देखो। इसने कहा सभी पुस्तकें इरेजर हैं, ऑल बुक्स आर इरेजर, ऑल बुक्स आर इरेजर, सारी बुक्स क्या हैं इरेजर हैं, सारी बुक्स क्या हैं इरेजर, ऑल बुक्स आर इरेजर, ऑल शॉपनर आर बुक, सारे शॉपनर क्या हैं बुक हैं, सारे शॉपनर क्या हैं बुक हैं, सारे शॉपनर क्या हैं बुक हैं, लिख दिया भाई बुक के अंदर क्या आ गया भाई, शॉपनर आ गया, क्लियर। पहला देखो ऑल शॉपनर आर इरेजर, सारे शॉपनर क्या हैं इरेजर है, सारे शॉपनर क्या हैं इरेजर है, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि जब सारी बुक इरेजर है और सारे शॉपनर बुक है तो इसका मीनिंग सारे शॉपनर क्या होंगे इरेजर भी होंगे, तो ये तो पहला तो सही हो गया। दूसरा सम बुक्स आर शॉपनर, कुछ बुक क्या है शॉपनर है, देखो ये वो बुक्स हैं जो कि क्या है शॉपनर है, दूसरा भी सही हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, तो बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर है, चलें आगे, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है अगला देखिए भाई, अगला देखिए इसमें क्या बताना है भाई, ई के अपोजिट बताना है, ई के अपोजिट क्या होगा ये हमें बताना है, ई के अपोजिट क्या होगा। अब यदि आप देखें ध्यान से देखें लास्ट 2 को ही, यदि आप ध्यान से देखते हैं लास्ट 2 को, ध्यान से देखते हैं लास्ट 2 को ही आप ध्यान से देखते हैं तो भाई ई के अपोजिट हमें बताना है, तो ई के अपोजिट होगा क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन है सी एफ, इसमें भी है सी एफ, इसमें भी दो, इसमें सी एफ इसमें भी आ रहा है, सी एफ इसमें भी आ रहा है, तो यहां पर बचा ई और यहां पर बचा ए, तो इसका मीनिंग ई के अपोजिट फेस पर क्या होगा ए होगा, ई के अपोजिट फेस पर क्या होगा ए होगा। क्या ये बात समझ में आती है, तो कभी भी ऐसा हो बेटा कि भाई यदि दो डाइस दिए हैं और दो डाइस में दो दो कॉमन है तो जो रिमेनिंग है वो एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे, रिमेनिंग एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे, क्लियर है इतनी बातें। तो यहां पर देखो E और F है, इसमें भी E, सॉरी C और F है, इसमें भी C और F है, तो यहां पर बचा E और यहां पर बचा A, तो E और A क्या है एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे, क्लियर है भी पक्का से, डाउट तो नहीं है, चलिए बहुत अच्छे भी, बहुत शानदार। अगला देखो, अगला आपको बताना है इसमें कि इन द गिवन फिगर हाउ मेनी ब्लैक बटन आर शर्ट्स, कितने ब्लैक बटन क्या है शर्ट है। अब देखो ये है शर्ट, ये है ब्लैक और ये क्या है बटन। अब उसने कहा हाउ मेनी ब्लैक बटन आर शर्ट,
ब्लैक भी होना चाहिए, बटन भी होना चाहिए और शर्ट भी होना चाहिए। तो इसका मीनिंग तीनों जगह कॉमन हो, ट्रायंगल स्क्वायर और सर्कल तीनों में कॉमन होना चाहिए, और तीनों में जो कॉमन है वो एक ही नंबर है, वो एक ही नंबर क्या है, 19। तो राइट आंसर इज 19। भाई हमने क्या कहा कि वो ब्लैक भी हो, बटन भी हो, शर्ट भी हो। ब्लैक वाला तो ये वाला सर्कल हो गया, बटन वाला ये स्क्वायर वाला हो गया, और शर्ट वाला ये ट्रायंगल हो गया। तो इसका मीनिंग स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल तीनों में कॉमन है हमारा क्या, 19। तो राइट आंसर इज 19 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखिए इसको कंप्लीट करना है, आपको बताना है। हाँ, इसको कंप्लीट करना है, बताइए भाई यहां पर कौन सा आप फिट करें कि ये कंप्लीट हो जाए। तो भाई ऐसे ही बना के देख लिया करो थोड़ा सा इसमें, और इसमें भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं क्या, खुशी खुशी में क्या कुछ ज्यादा खुश हो जाता है कि आसान सा क्वेश्चन है। अब आंसर तो देखो थोड़े थोड़े सिमिलर से ही होते हैं इसमें, इसमें जो आंसर होते हैं ना बहुत सिमिलर से होते हैं, और खुशी के मारे ही इनसे गलत होते हैं। अब इसमें देखो ये जो सर्कल जा रहा है ना, छोटा सा जो एक पॉइंट है, सारा गेम इसी का है। कैसे, यहाँ पर ये वाला इस पर है, इस लाइन के पास है, दूसरे में इसके पास हो गया, तीसरे में इसके, तो चौथे में इसके पास आएगा, तो इसका मीनिंग यहाँ आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा तो केवल सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे खुशी खुशी में वन भी टिक करके आएंगे, ये भी पक्का से पता है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ आया, और कर भी दिया कुछ ने तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है, अब आपको बताना भी इसमें आपको देखना है कि ये वाला कहाँ छिपा हुआ है, ये वाला कौन से फिगर में छिपा हुआ है, ये आपको बताना है। ये वाली चीज जो चीज है, ये इन चारों में से किस फिगर में छिपी हुई है, ये आपको बताना है। तो भाई यदि मैं फोर्थ वाले को ध्यान से देखता हूँ, फोर्थ वाले को भाई, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बिना बताए भी कर दिया करो, जिससे फोर्थ वाले को देखें, तो यहां से देखो ये आया, इस तरह से मैच करता जा रहा है, ऐसा ही कुछ है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, चलें आगे, चलें नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बिल्कुल सही से दे, ऐसे जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल सही से इसका जवाब दीजिए। तरीके से इसका जवाब दीजिए, इसमें बताइए इसमें कौन सा सही होगा। एटलीस्ट पहले क्या किया गया, पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद उसमें कटिंग की गई। अब जो फोल्ड करने के बाद जो 1/4 पार्ट है ना, उस पर टारगेट किया करो बेटा, हमेशा क्या किया करो 1/4 पार्ट। और यदि दिक्कत बनती है तो देखो एक बात सुनो, यदि कोई बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, कोई बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, तो आप एक काम किया करो, जो ऑप्शन है ना उनको 4th पार्ट डिवाइड करके देख लिया करो। हाँ, अब यहां से आपको कुछ चीजें अपने आप समझ में आ जाए करेंगे। देखो यदि आप इसको ऐसे ही डिवाइड कर दे तो यहाँ पर देखो नीचे वाला ये वाला पार्ट में मिल रहा है, तो हर जगह चारों पार्ट में कुछ ऐसा ही आना चाहिए, चारों पार्ट में क्या होना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए था। इसमें देखो इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, गलत हो गया। इसमें इधर है इधर नहीं है, गलत हो गया। ये ऊपर है इसमें नहीं, लेकिन इसमें जो है फोर्थ में, यहाँ से ऊपर देखो 1/4 पार्ट ऐसे है, इसके ऊपर वाला भी है, इसका मिरर इमेज भी इधर, जल्दी से बताइए बेटा। हाँ वॉइस क्लियर है, चले भी देखिए भी। हाँ अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। हाँ फटाफट इसकी मिरर इमेज बताइए, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज बताइए क्या होगी, जल्दी से बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी। हाँ इसकी मिरर इमेज क्या होगी, जल्दी से बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी। देखिए भाई
इसकी मिरर इमेज सिंपल सी बात है, जैसे आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में आएगा। जो ये तीन सर्कल ऐसे हैं तो इस बार क्या हो जाएंगे, एक दो तीन, तीन सर्कल यहाँ और एक ये यहाँ, तो कुछ ऐसा बन के आएगा। हमेशा याद रखो, जब भी यदि आपको मिरर इमेज में डाउट है ना, यदि लगता है मिरर इमेज में डाउट है, तो वहां पर पेपर, रफ पेपर सभी को मिलता है, उसमें बना लिया करो और पेपर को पलट के देख लो, पेपर को पलट के देख लिया करो पीछे की तरफ, पेपर पे बनाया जैसे यहाँ पर आपने बनाया, यहाँ पर बनाया, इसको ऐसे पलट के देख लो पीछे, लेकिन गलती से ऊपर ऐसे फोल्ड मत कर देखना, इसको कैसे ऐसे लेफ्ट टू राइट पलट के देखो, तो वहां पर पीछे बैक साइड में जो है उसकी मिरर इमेज आपको दिख जाएगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा भाई, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, अच्छे क्वेश्चन थे, और ये भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने नए लॉजिक आज फिर सीखे होंगे, जो मैं बार बार जो नए लॉजिक आपको देखने को मिलते हैं ना बेटा, उनको कहीं नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं और पक्का कहीं ना कहीं ये मिलेंगे भी आपको, इतनी हेल्प करेंगे ये जो सेशन चल रहे हैं ना, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्लियर है। तो भाई अभी के लिए इतना ही, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बस एक दो मिनट का वेट कीजिए मैथ्स की क्लास के लिए, फिर से हम मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।